आज तो हम बात कर रहे हैं हेल्दी ईटिंग की, तो उसके साथ साथ बहुत ही ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल। कभी सोचा है आपने, अगर आपके घर पर ही जिम हो और आपको ज़रूरत ही ना पड़े बाहर जाकर वर्कआउट करने की, और ऐसा ही कुछ है एक्टर जन्मेजय सिंह के घर भी। तो चलिए फटाफट चलते हैं इनके घर और देखते हैं इनके घर वाला जिम। मिलिए बॉलीवुड के नए हीरो से, जिनका नाम है जन्मेजय सिंह, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का शौक है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी के घर पर जिम हो, घर के ड्राइंग रूम में भी जिम हो, घर के बेडरूम में भी जिम हो? जी हाँ, ऐसा हो रहा है जन्मेजय के घर पर। इन्होंने अपने घर को ही जिम बना दिया है। सास बहू बेटी आज आपको लेकर चल रहा है अभिनेता जन्मेजय सिंह के घर पर, जहाँ पर वो दिन रात एक्सरसाइज करते हैं। दिल्ली के रहने वाले जन्मेजय की फिल्म हम तुम्हें चाहते हैं रिलीज होने जा रही है, और इस फिल्म में उनके साथ हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता और ढेर सारे कलाकार। भाई फिल्म में वो बने हैं एक जिम ट्रेनर और रियल लाइफ में भी वो फिटनेस के दीवाने हैं। तो कैसे जन्मेजय ने अपने घर को जिम में बदला है, कैसे करते हैं अपने फिजिक का ख्याल, रियल लाइफ में कितने संस्कारी है, और कैसा है उनका दिल्ली से मुंबई तक का सफर, ये जानने के लिए आज सुबह से लेकर जन्मेजय के साथ पूरा दिन बिताएंगे, उनके घर की सैर कराएंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने घर को जिम बनाया और कैसे वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा है उनका घर। तो चलिए चलते हैं जन्मेजय के घर पर, उन्हें कहते हैं हेलो। हाय, मेरा नाम है जन्मेजय सिंह और आप देख रहे हैं सास बहू और बेटियां। और जैसे कि अपने दिन की शुरुआत मैं खुली हवा में करता हूं, ये देख सकते हैं आप, ये मेरा व्यू है, यहां से बहुत ताज़ी हवा आती है। तो दिन की शुरुआत मैं ऐसे ही करता हूं, जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आइए मैं आपको अपने व्यू दिखाता हूं घर का। दिल्ली के जन्मेजय अब मुंबई में सेटल हो गए हैं, और खास बात है कि इनके घर में ही जिम है, घर के ड्राइंग रूम में जिम है, घर के बेडरूम में। तो देखते हैं जन्मेजय का ये जिम। मैं फिटनेस फ्रीक हूं, तो मैंने घर पे ही अपने जिम का सेटअप बना रखा है और मैं यहीं पे अपनी वर्जिश करता हूं और यहीं पे अपनी सारी कसरत करता हूं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, आई एम रेडी फॉर माय वर्कआउट। सो ये है बाबल, यू नो, फॉर बेंच प्रेसेस, मिलिट्री प्रेसेस, और स्क्वाट भी कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा। बेंच है, इंक्लाइन, फ्लैट, इंक्लाइन, और ये सारे डंबल्स हैं, प्लेट्स हैं। मेरे अंदर भी जिम है, वैसे एक और जिम है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, आइए। वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी ना, सो दिस इज माई लाइक मशीन, ऑल इन वन फ्यूजन मशीन। इसमें आप तरह तरह के वेरिएशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप यू नो चाहे तो आप फ्लाई कर सकते हैं, लैट पुल डाउन है, जैसे कि इक्विपमेंट्स भी बहुत सारे अलग अलग किस्म के हैं, योगा मैट है, यू वांट टू डू योगा, सो बहुत कुछ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है सेटअप। मैं शुरू में ट्रेनर था, मेरा मैंने आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं यहाँ से नहीं हूँ, तो दिल्ली में मेरे कोच थे, तो उन्होंने मेरे को सब सिखाया है। वो खुद बॉडी बिल्डर रहे हैं शुरू में, अपने मणिपुर से हैं वो, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे को गाइड वाइड किया है, तो उस हिसाब से मेरे को सिखाया है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग मैंने ली है। जन्मेजय अपनी सुबह की शुरुआत अपनी एक्सरसाइज के साथ करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने घर रूपी जिम में क्या करते हैं।
इंक्लाइन चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। फिर आता है बाइसेप डंबल, अब बारी है डंबल्स उठाने की, तो देखते हैं क्या है उनका अगला फिटनेस स्टेप। तो जो मैंने किया है, एक है इंक्लाइन फॉर इंक्लाइन चेस्ट, बाइसेप के लिए डंबल कर्ल और ट्राइसेप के लिए ट्राइप एक्सटेंशन। पर ये सब तो हो गया, लेकिन उनके दूसरे कमरे में एक और मशीन है जहां पर वो ढेर सारी और एक्सरसाइज करते हैं, लैट पुल डाउन फॉर बैक विंग्स के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पैरों की भी है, लेग एक्सटेंशन कर्ल्स, ये लेग्स के लिए है, ऐसे करना होता है। कट्स एंड ऑल जी, और बताइए। इनसे मैं लीन वे प्रोटीन पीता हूँ फॉर रिकवरी पर्पस, बहुत ज़रूरी है। खाने में मेरा रहता है लाइक ग्रिल चिकन, ग्रिल मटन, बॉयल्ड एग्स एंड सॉटे वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स। सबसे पहले थोड़ा सा यू नो स्ट्रेचेस होते हैं, और उसके बाद जो भी मेरा रूटीन होता है, जैसे बाइसेप ट्राइसेप लेग्स या फिर बैक, अलग अलग रूटीन में फॉलो करता हूँ। व्हेन आई वाज टीनेजर लाइक अराउंड 17, तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो अलग अलग मेरे फेजेस रहे हैं, कभी बल्क कभी लीन, तो मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ शुरू से। देखिए, आई फॉलो ब्लड टाइप डाइट एज आई एम ओ पॉजिटिव, सो मेरे को ज़्यादातर मीट खाना पड़ता है। आई एम एलर्जिक टू लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूटेन ऑल दैट, डेयरी, सो आई अवॉयड ऑल दीज थिंग्स एंड आई जस्ट फोकस ऑन लाइक प्रोटीन डाइट, रिच यू नो प्रोटीन रिच डाइट। रियल लाइफ में जन्मजय बड़े ही संस्कारी हैं, और अपनी एक्सरसाइज के बाद वो भगवान का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते, यानी मंदिर में पूजा करते हैं। तो पूजा भी बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल कॉन्सेंट्रेशन, फॉर योर यू नो सोलफुलनेस, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आराधना करिए अपने ईश्वर की, अपने इष्ट देवता की। जैसे मेरे इष्ट देवता शिव जी हैं, तो मैं उनकी आराधना करता हूँ, तो बहुत अच्छा रहता है, आपके मन को शांति मिलती है और एनर्जी मिलती है कि आप यू नो अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस कर सकें, ऑब्स्टेकल्स को यू नो हटा सकें, तो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हो गई, पूजा हो गई, अब ज़रा जानते हैं जन्मजय के सफ़र के बारे में, भाई कैसे दिल्ली से ये मुंबई पहुँचे और क्या एक्साइटमेंट है उनकी फिल्म को लेकर। तो मेरा वर्कआउट हो चुका है अब, ठीक है, मैं हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, मेरा वर्कआउट हो चुका है, सो आई एम डन फॉर द डे। और जैसे कि मेरी मूवी आने वाली है हम तुम्हें चाहते हैं, 13 अक्टूबर को वो थिएटर में लगेगी, तो उसके लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। और जैसे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज़ एंड मीडिया इंटरेक्शंस आर गोइंग ऑन, सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माय न्यू वेंचर। मैं दिल्ली से हूँ, मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ दिल्ली से हुआ है, ऑल दो मेरा ये पहला ब्रेक है, इससे पहले मैं थिएटर करता था और मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल से भी ट्रेनिंग ली है थोड़ी बहुत, लाजपत नगर में है। और मैंने कॉलेज अपना DCAC कॉलेज से किया है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, आई हैव डन हिस्ट्री ऑनर्स एंड आई हैव डन लॉट ऑफ थिएटर देयर, एंड स्कूलिंग मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज से करी है। सो मेरी ज़िंदगी वहीं ज़्यादातर बीती है, और ये मेरा एक फ़र्स्ट ब्रेक है, सो ये मेरा एक पहला अब कह सकते हैं वेंचर है। सो मुंबई में मेरा सफ़र वैसे ही रहा जैसे एक आउटसाइडर का होता है, अ दिल्ली बॉय जो यहाँ आता है सपनों के शहर में, तो स्वागत तो एक तरीके से ऐसे ही होता है नॉर्मल, बट धीरे धीरे व्हेन यू नो स्टार्ट डूइंग थिंग्स, जितना आप दिखोगे उतना ही आप बिकोगे, ये एक सच है अपने में। तो यार टिल नाउ अभी तक तो सही चल रहा है, धीरे धीरे यू नो व्हेन आई यू नो स्टार्ट एक्सपोजिंग माई सेल्फ, माई टैलेंट, माई क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग, देन यू नो पीपल रिकोगनाइज यू, देन दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। तो शुरू में ऐसे ही लगता है, आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है, तो वो फेज़ अभी चल रहा है। पहली फिल्म तो एक एक्साइटमेंट से भरकर ही होती है हर एक आर्टिस्ट के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसको इतना बड़ा मौका मिलता है कि वो अपने आप को परफॉर्म करते हुए देखे, अपने यू नो एक्टिंग स्किल्स को दिखाए पर्दे पर, और फिर ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स देती है उसमें एक नर्वसनेस ज़रूर रहती है। देखिए मैं सीखता रहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पारंगत हूँ, अगर हो भी जाऊँगा तो भी ये नहीं कहूँगा कि मैं हूँ, क्योंकि एक्टर का काम है हर दिन नया सीखना। अगर मैं कह दूँ कि मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ, हो सकता है कल कोई दूसरा रोल आए तो उस किरदार में मैं कितना ढल सकता हूँ, तो हर दिन एक नया चैलेंज है और इंसान सीखता रहता है इससे।
इट्स अ लाइक नेवर एंडिंग प्रोसेस। वैसे जन्मे जी, हम तुम्हें चाहते हैं से अपना डेब्यू कर रहे हैं और इस फिल्म में उनका एक सॉन्ग सीक्वेंस है, डांस सीक्वेंस है, फाइट है और इमोशंस है, यानी एक कंप्लीट पैकेज है। और अपनी पहली फिल्म को लेकर जन्मे जी का एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मेरी 30 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है, हम तुम्हें चाहते हैं, आप प्लीज़ उसे देखिए और आई होप आपको बहुत पसंद आएगी। मैंने काफ़ी मेहनत करी है और प्लीज़ उसको थोड़ा प्यार दीजिए और आपको बहुत अच्छी लगेगी फिल्म। इट्स अ लव ट्रायंगल फिल्म, बहुत ही लाइट है, आपको सर दर्द नहीं होगा। बस थैंक यू सो मच। तो जन्मे जी को उनके बॉलीवुड डेब्यू के लिए बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि उनका जो फिटनेस का पैशन उनके पर्दे के किरदारों में भी नजर आए। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।